हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों मेट्रोला ने दोस्तों जो हाल ही में जो अपना जो दोस्तों एक नया जो फ़ोन लॉन्च किया, जिसका नाम है दोस्तों मेट्रोला G22। दोस्तों उसके अंदर दोस्तों उसने जो प्रोसेसर का यूज़ किया था दोस्तों, वो एक जो था वो चाइनीज़ प्रोसेसर था, उसका नाम है दोस्तों यूनिसॉक T700। दोस्तों इस प्रोसेसर के अंदर दोस्तों एक ऐसा बग निकल के आया कि जिससे दोस्तों हैकर जो है दोस्तों आपके फ़ोन को दोस्तों बहुत ही आसानी से जो दोस्तों उसको हैक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि दोस्तों इस बात का दोस्तों कैसे पता चला और दोस्तों कैसे दोस्तों इसका जो है वो सॉर्ट आउट दोस्तों किया जा रहा है, और दोस्तों क्या जो दोस्तों जितने भी दोस्तों जो बजट रेंज के दोस्तों जो मोबाइल फ़ोन जो रिलीज़ हो रहे हैं दोस्तों इस साल, तो दोस्तों क्या जो है दोस्तों आपको उस फ़ोन को ख़रीदना चाहिए दोस्तों, क्या जो जिसके अंदर दोस्तों यूनिसॉक का जो दोस्तों प्रोसेसर लगा हुआ है। चलो दोस्तों, मैं इसी जो है सारे सवालों का दोस्तों आज मैं आपको जो जितने भी सवाल है दोस्तों मैं उसका जो है आपको जो जवाब देने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो के दोस्तों तरफ। दोस्तों जब मेट्रोला ने जो दोस्तों जो हाल ही में जो दोस्तों अपना जो फ़ोन लॉन्च किया था दोस्तों मेट्रोला G22, दोस्तों उसके अंदर दोस्तों उसने अपना जो नया जो प्रोसेसर जो है वो चाइनीज़ प्रोसेसर है दोस्तों, उसका नाम है यूनिसॉक T700। दोस्तों इस प्रोसेसर के अंदर दोस्तों एक ऐसा जो है वो बग निकल के आया है जिसको दोस्तों मेट्रोला ने देखते हुए दोस्तों कंपनी को आगे कंप्लेन किया है कि दोस्तों वो इस बग को फिक्स करे, वरना दोस्तों हैकर दोस्तों आपके मोबाइल के दोस्तों जितने भी डेटा है, यानी कि आपके फ़ोटोज़, वीडियो या फिर मतलब कि जितने भी मोबाइल नंबर दोस्तों सबको किसी भी तरीके से दोस्तों मिस यूज़ कर सकता है। दोस्तों आपके दोस्तों मोबाइल के अंदर दोस्तों जितने ही मतलब डेटा वगैरह है, यानी कि दोस्तों अगर आपने दोस्तों अपने मोबाइल के अंदर अगर आपने पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे कुछ भी चलाते हैं, तो दोस्तों हो सकता है कि दोस्तों वो आपके अकाउंट को भी दोस्तों हैक कर सकता है और दोस्तों आपके अकाउंट से दोस्तों चुटकी में दोस्तों सारे के सारे पैसे उड़ा सकता है। दोस्तों इसी को देखते हुए दोस्तों माने तो दोस्तों अगर आप दोस्तों अगर आप यूनिसॉक का दोस्तों प्रोसेसर वाला दोस्तों अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, अगर उसके अंदर बहुत कम अपडेट देखने के लिए मिल रहा है, तो दोस्तों एक बार भी आप जो है कंपनी की मेल साइट पे जाके, यानी कि अगर आप मेट्रोला का यूज़ कर रहे हैं फ़ोन, तो या दोस्तों उसको कंप्लेन करें, यानी ऑनलाइन दोस्तों आप कंप्लेन भी कर सकते हैं दोस्तों ईमेल वगैरह पे कि दोस्तों जो हमारे जो डिवाइस के अंदर दोस्तों जो सिक्योरिटी अपडेट है दोस्तों वो कम आ रहे हैं। दोस्तों सिक्योरिटी अपडेट है दोस्तों टाइम टाइम पे करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दोस्तों जो जितने भी दोस्तों गूगल जो है सिक्योरिटी अपडेट देता है, या फिर जितने ही मतलब कि मोबाइल की कंपनी दोस्तों अपने मोबाइल के लिए दोस्तों अगर सिक्योरिटी अपडेट देती है, और दोस्तों अगर आप उस अपडेट को दोस्तों अगर स्किप करते हैं दोस्तों, अगर आप जानबूझ के भी नहीं करते हैं, तो दोस्तों आपका जो डिवाइस है दोस्तों बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस सकता है। कि दोस्तों सिक्योरिटी अपडेट दोस्तों बार बार इसलिए भी दिया जाता है कि दोस्तों कि आपका जो डिवाइस रहे दोस्तों सिक्योर रहे, इसलिए कि मतलब कि कंपनी पहले से ही बता देती है कि दोस्तों मैं 2 साल तक दूंगा इस डिवाइस पे मतलब कि सिक्योरिटी अपडेट, या फिर 5 सालों तक दूंगा। दोस्तों जो इस मामले में दोस्तों सबसे बढ़िया दोस्तों मेरे को जो लगता है दोस्तों वो एप्पल का आईफोन रहता है, क्योंकि दोस्तों सिक्योरिटी के मामले में दोस्तों आईफोन से बढ़िया फ़ोन दोस्तों कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों आईफोन दोस्तों ये बोल के चलता है दोस्तों अपने जितने भी अपने कस्टमर है कि दोस्तों मैं आपको दोस्तों 5 साल के लिए जितने भी हैं मतलब के डिवाइस, चाहे वो नए हो जाए पुराने हों, 5 साल के लिए मतलब कि रिलीज से लेके 5 साल तक दोस्तों सारे के सारे अपडेट वो देता रहेगा सिक्योरिटी के, चाहे दोस्तों अपने जो अपडेटिंग वर्जन को दोस्तों अपडेट ना करें, जैसे कि मेट्रोला वाले अपने दोस्तों iOS को अगर अपडेट ना करें तो चलेगा, लेकिन दोस्तों सिक्योरिटी अपडेट जो है वो 5 सालों तक देता रहता है दोस्तों। इससे दोस्तों आपका जो डिवाइस है दोस्तों वो भी सिक्योर रहता है और बाकी अदर चीज़ें भी। दोस्तों अगर मेट्रोला या फिर किसी भी दोस्तों मतलब फ़ोन के अंदर दोस्तों अगर यूनिसॉक का कोई सा भी वर्जन का दोस्तों अगर प्रोसेसर लगा हुआ है, और दोस्तों अगर आप उस फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, तो दोस्तों आप चेक करते रहना कि दोस्तों उसके अंदर सिक्योरिटी अपडेट आया है तो दोस्तों आप कर लेना, क्योंकि दोस्तों कंपनी दोस्तों यही बग जो है निकालने की कोशिश कर रही है दोस्तों हर डिवाइस में से। दोस्तों मेरी माने तो दोस्तों ये जो जितने भी दोस्तों मतलब कि चाइनीज़ प्रोसेसर वाले फ़ोन आते हैं, चाहे दोस्तों ये जो यूनिसॉक है, क्योंकि अभी दोस्तों पहला ही दोस्तों चाइनीज़ दोस्तों जो प्रोसेसर वाला है दोस्तों फ़ोन निकाला है जिसका नाम है दोस्तों यूनिसॉक जो प्रोसेसर के नाम से, क्योंकि दोस्तों चाइना वाले दोस्तों धीरे धीरे जो है वो अब प्रोसेसर भी दोस्तों अपना बनाना की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों सैमसंग का एग्जोनोस तो पता है कि दोस्तों सैमसंग तो दोस्तों बहुत ही बड़ी कंपनी है, और दोस्तों ये तो दोस्तों कोरियन कंपनी है, और दोस्तों कॉलकॉम दोस्तों हमारी जो है US की कंपनी यानी अमेरिकन कंपनी है, और दोस्तों जो हमारा जो ये जो डायमंड सिटी यानी कि जितना भी मतलब कि हमारे मीडिया टेक के दोस्तों प्रोसेसर आते हैं दोस्तों हमारे ताइवान के दोस्तों प्रोसेसर बनाए जाते हैं ताइवान के अंदर, लेकिन जो दोस्तों यूनिसॉक है दोस्तों जानते हैं कि दोस्तों चाइना में दोस्तों बहुत बड़ा घपला चलता है, यानी कि वहाँ के लोग दोस्तों बहुत जल्दी और दोस्तों बहुत ही सस्ते में दोस्तों अपना काम निकालने की दोस्तों कोशिश करते हैं। तो दोस्तों मेरी माने तो दोस्तों अगर आप नया फ़ोन अगर परचेज़ करने की सोच रहे हैं, तो दोस्तों आप यूनिसॉक के दोस्तों प्रोसेसर वाला दोस्तों फ़ोन ना
खरीदे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे बड़े दोस्तों माइक्रोमैक्स ने दोस्तों नया जो फ़ोन लॉन्च किया था इन नोट वन, दोस्तों आज की डेट में भी दोस्तों 10-11 हज़ार तक का दोस्तों सबसे बढ़िया डिवाइस है दोस्तों आपके लिए साबित होने वाला है। कि दोस्तों आपको इसके अंदर फुल एच डी प्लस का डिस्प्ले ही मिल रहा था दोस्तों, 48 मेगापिक्सल का बैक कैमरा वो भी दोस्तों क्वाड कैमरा मिल रहा था, फ्रंट का दोस्तों 16 मेगापिक्सल का कैमरा और दोस्तों बैटरी भी 5000 mAh की मिल रहा थी दोस्तों उसके अंदर। तो दोस्तों अगर अपनी इंडियन ही कंपनी दोस्तों इतना बढ़िया फ़ोन बना रही है तो दोस्तों आप किसी अदर डिवाइस को क्यों ले दो दोस्तों जिसके अंदर दोस्तों वो भी चाइनीज़ प्रोसेसर लगा हुआ है। दोस्तों इसके अंदर तो दोस्तों फिर भी दोस्तों अपना जो है मीडिया टेक का प्रोसेसर लगा हुआ है क्योंकि दोस्तों ये भी ताइवान के अंदर बना हुआ। तो दोस्तों चाइनीज़ प्रोसेसर के फ़ोन लेने से अच्छा है कि दोस्तों आप जो है ताइवानी प्रोसेसर का फ़ोन दोस्तों लेना पसंद करेंगे मेरी माने तो। और दोस्तों अगर आपने दोस्तों अगर यूनिसॉक का प्रोसेसर वाला दोस्तों अगर आपने कोई सा भी डिवाइस का फ़ोन खरीद रखा, चाहे वो मोटोरोला हो, सैमसंग हो या फिर कोई सा भी एक कंपनी का हो जिसके अंदर दोस्तों यूनिसॉक का दोस्तों प्रोसेसर वाला फ़ोन है, तो दोस्तों अगर उसमें अपडेट आ रहा है तो दोस्तों आप उसको करते रहें कि दोस्तों आप इतना जल्दी से दोस्तों फ़ोन बदलने वाले नहीं हैं। और दोस्तों जितना हो सके दोस्तों उसके अंदर दोस्तों पेटीएम ओटीएम दोस्तों या फिर डेटा वगैरह रखना दोस्तों कम करें तो दोस्तों ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों अगर हमारी वीडियो या फिर इन्फॉर्मेशन दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक भी कर देना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।